भारत के संसदीय इतिहास में यह एक नवीन, कई सालों के बाद, पहले पंडित नेहरू जी थे लेकिन वह तो आज़ादी स्वतंत्रता के बाद के कारण थे, लेकिन इस समय पर जो नरेंद्र मोदी जी आज शपथ लेंगे वो अपने आप में पहले बार है। और उसमें यह भी है कि शायद पहली बार ही जो अलग अलग अंदाज बता देते हैं उनमें गलती निकली है, लेकिन यह निश्चित हो गया है कि जो बहुमत है वो बहुमत मोदी जी के साथ है, अन्य पार्टियां भी कुछ आई है। और मैं मानता हूँ कि जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है 5 साल के लिए उसके अनुसार काम हो सकेगा। विपक्ष ये कह रहा है कि ये बैसाखी की सरकार है, एक टांग जो है नीतीश कुमार का है, दूसरा टांग चंद्रबाबू नायडू का है, ये कभी भी गिर सकता है। विपक्ष को थोड़ा अपनी ही पत्रिका निकाल कर देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कब किया था। अरे, आपको इतना होने के बाद भी आप विपक्ष का नेता लोकसभा में कौन होगा यह भी आप अब तक तय नहीं किए हैं, तो ऐसे बातों में शिकायत करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रोबेबली राहुल गांधी होंगे विपक्ष का नेता, अभी एक खबरें चल रही है। नहीं नहीं, खबरें तो चल रही ही है लेकिन अधिकृत तो आना चाहिए ना, तो अधिकृत के तौर पर इतनी सीधी सरल बात है उसमें भी कायरता क्यों या निर्णय क्षमता क्यों नहीं है? सोनिया गांधी ने कहा है कि यह पीएम मोदी की राजनीतिक हार है, नैतिक हार है, तो उनको टेक ऑफ नहीं लेना चाहिए। नहीं, उनको अरिथमेटिक अंकगणित सीखना चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा नंबर होता है उसकी जीत मानी जाती है। और ऐसे में अब किस प्रकार से उनको समझाया जा सकता है इसका कोई भी विचार करे, लेकिन चौथी या पांचवी स्टैंडर्ड में कोई लड़का लड़की और हम उनको ये पूछेंगे कि आप इसमें से किसके पास ज़्यादा लोग हैं वो बताएं, तो वो बता देंगे। तो मुझे लगता है कि जरा अंकगणित थोड़ा सीखना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।